हेलो दोस्तों, मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम बनाएंगे मखाना का स्वादिष्ट और पौष्टिक खीर। इसमें मावा नहीं है, मलाई नहीं है, इसे सभी लोग पी सकते हैं। इसे बनाने के लिए हमें चाहिए 2 बाउल मखाना, काजू, बादाम, किशमिश, कसकस, केसर और 1 लीटर दूध। पहले एक बॉल में थोड़ा सा गरम दूध लेके उसमें थोड़ा सा केसर डाल के अच्छी तरह मिक्स करके भिगोने के लिए रख लीजिए। बाद में एक कढ़ाई में मखाना लेके धीमी आंच पे उसको रोस्टेड कीजिए। रोस्टेड करके वो ठंड होने के बाद उसको मिक्सर में डाल के दरदरा पीसिए। ऐसे दरदरा होना चाहिए। इसके बाद एक पैन लीजिए, उसमें 2 स्पून कसकस डाल के रोस्ट करके निकाल के रख लीजिए। निकालने के बाद थोड़ा सा घी डाल के उसमें बादाम, काजू, किशमिश डाल के रोस्ट करके निकाल दीजिए। इसके बाद दूध को गैस पे रख के गरम कीजिए। दूध गरम होने के बाद कैसे मलाई आता है ना, वो मलाई निकालते जाइए। कितना मलाई आता है वो सभी निकालते जाइए। मलाई निकालने के बाद दूध गाढ़ा हो जाएगा। 1 लीटर दूध कम से कम आधा लीटर होना चाहिए, तब तक उबाल लीजिए। बाद में वो सभी दूध को दूसरा बाउल में डाल के गरम कीजिए। गरम होने के बाद उसमें आधा कप शक्कर डाल दीजिए, फिर रोस्ट किया हुआ कसकस, दूध में भिगा के रखा हुआ केसर डाल दीजिए। उसके बाद ये सभी को मिक्स कीजिए। अभी रोस्ट किया हुआ ड्राई फ्रूट डाल के गैस बंद कीजिए। गैस बंद करके बाद में मिक्सर किया हुआ मखाना डाल दीजिए, क्योंकि मखाना जो है ना जल्दी नरम हो जाता है, इसके लिए उसको गैस बंद करके डालना पड़ेगा। अभी ये खीर रेडी हो गया। ये रेसिपी कैसे लगा आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।